नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बयानवीर में, जहां हम आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। सबसे पहले आज बयानवीर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने पंचकुला में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया और कहा कि कांग्रेस तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण पर विश्वास ही नहीं करती। जरा सुनिए। कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते, इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बनाकर के पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं, राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है, तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो जाओ, अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। अब बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। सुनिए। पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। और इसी के साथ आज इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी नेताओं के कुछ और तीखे बयानों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।